इसीलिए तो कहता हूँ यह यूनानी मेरी जिंदगी है। यूनानी यूनानी यह यूनानी मेरी जिंदगी है। यूनानी If you are suffering from any disease, treat with Unani medicines because it is safe and effective. Consult Unani doctors now. Dignitaries on the rise of the dice. सबके नाम लेने में वक्त निकल जाएगा और ये एकदम crucial time है। ये हमारी नींद का वक्त है और इस timing में concentrate करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नींद उड़ा दूं। और ये बहुत ही important topic है और हम यहाँ पर आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं जिससे हमने हमारी प्रैक्टिस में हासिल किया है। 1999 से हम लोग प्रैक्टिस में हैं, 25 साल हो गए, 15-18 साल से ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस में है। फर्स्ट ईयर से मैं हॉस्पिटल जॉब करता हूँ और कॉलेज भी अटेंड करता था। अगर उसको काउंट करूँगा तो 32 ईयर्स की हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है अलहम्दुलिल्लाह। और शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो ऑन्कोलॉजी पे एक आध पेशेंट देखते थे, थोड़े थोड़े रिजल्ट आते थे। धीरे 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 हमने उसको आगे बढ़ाया और आज 500-600 पेशेंट पर मंथ हमारे पास आते हैं अलहम्दुलिल्लाह। रिजल्ट कम है, रिजल्ट ज़्यादा है, लेकिन काम चल पड़ा है, बुनियाद पड़ चुकी है। और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट और बाकी के लोग आगे आए और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और हमसे आगे जाएं। हमारा मकसद अपने आप को बहुत बड़ा हकीम और बहुत बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट इस्टेब्लिश करना नहीं है। हमारा मकसद है पैदी जिंदा हो, और पैदी कोई एक अकेला आदमी लेके नहीं जा सकता है। सब लोग मिलके काम, जैसे कहता मिला के काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसूलों को जो है मुरतब करेंगे और उसूल बना के काम करेंगे इंशाल्लाह। तो यूनानी पैदी का नाम होगा। यूनानी पैदी का नाम दो ऐसे वजूहत से हुआ है पिछले कुछ सालों में। एक वजह है इलाफी तदबीर, जिसमें फर्स्ट है एसएम मार्की साहब अलहमदिल्ला, इन्होंने यूनानी पैदी को, फिर हमारे भी कई एक कलीग्स है वर्ल्ड में इसकी पहचान दी है यूनानी की इलाफी तदबीर के जरिए। एसएम मार्की साहब का एक एहसान हम पे ये है कि हैदराबाद में सर ने आपको इस्टेब्लिश किया। सर का यह एहसान, सर एहसान करके भूल जाते हैं लेकिन हमें याद है, इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड टाइम जब यूनानी का नाम हुआ वो हुआ कोविड के टाइमिंग में, यूनानी काढ़े के जरिए वर्ल्ड में जो नाम हुआ। और अगर ऑन्कोलॉजी में हम लोग मिलकर काम करते हैं और यूनानी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं तो इंशाल्लाह यूनानी पूरी तरह जिंदा होने की उम्मीद है। तो आज मेरा टॉपिक है कैंसर नहीं हो फिर यूनानी मेडिसिन। दोस्तों इसमें मैं 3-4 टॉपिक से पर बात करूँगा आप लोगों से। सबसे पहला जो एक जनरल डिस्कशन करेंगे हम लोग कैंसर के ताल्लुक से, दूसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूनानी में कैंसर का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनानी किताबों में, यूनानी लिटरेचर्स में, और यूनानी अतिबा ने कैंसर पे किस तरीके से काम किया है और अपने किस तरीके से जो है उसूलों को जो है वो राइटिंग में ये किया है। और उसके बाद हम कैंसर के बारे में हमारा अपना क्या ओपिनियन है वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मैं, और हमने क्या क्या अभी तक अचीव किया है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ डिजास्टर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, प्रोलिफरेशन एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, म्यूटेशन, नो रिस्पॉन्स और इनसेंसिटिविटी टू सिग्नलिंग सिस्टम एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैंसर डेवलपमेंट में। म्यूटेशन का मतलब है दोस्तों जीन्स में एक गैर दबई सूरत हाल का पैदा होना, जीन्स में जो है एक एबनॉर्मलिटी का पैदा होना। यानी अगर हम किसी भी वजह से एक रात सही तरीके से नहीं सोए, सही तरीके से हमें नींद नहीं आई, तो कुछ ना कुछ 1% या कुछ ना कुछ परसेंटेज में म्यूटेशन हमारे जीन्स में हो चुका होता है। और यही मामला अगर सालों साल तक चलता रहा तो स्लोली ये म्यूटेशन जो है कैंसर की सूरत में सामने आता है, ट्यूमर की सूरत में सामने आता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का एक सिग्नलिंग सिस्टम है, हमारी बॉडी अलर्ट रहती है हमेशा। अगर कोई एबनॉर्मल चीज हमारी बॉडी में पनप रही है, कोई पैथोलॉजी चल रही है, तो बॉडी ब्रेन उसको जो है वो सिग्नल देता है कि कुछ गलत चल रहा है, आप एक्टिव हो जाओ। बॉडी को बोलता है, कमांड देता है, तो बॉडी क्या करती है उसको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, क्या करती है, तनकिया करती है।
अगर ये सिग्नलिंग सिस्टम किसी वजह से नहीं अपना सही तरीके से काम कर सक रहा है तो बॉडी के अंदर क्या कर रहा है नहीं मालूम और सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज नहीं समझ आती है और आगे चल के वो कैंसर में तब्दील होता है. ऑल्टरेशन फ्रॉम हेल्दी सेल टू कैंसर सेल, देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. एपोप्टोसिस एक वर्ड है दोस्तों. एपोप्टोसिस का मतलब एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेल डेथ कंट्रोल्ड बाय एन इंटरनली एनकोडेड सुसाइडल प्रोग्राम. हमारी बॉडी, हर इंसान की बॉडी में सेल जो है वो डीजेनरेट होते हैं, बॉडी से डिटॉक्सिफाई होते हैं, नए सेल उसकी जगह लेते हैं. ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है. एक पर्सन आज जो उसकी बॉडी है, अगले 6 महीने के बाद पूरी बॉडी वो नए सेल्स में तब्दील हो चुकी होगी. और ये जो तालमेल है, ये अगर डिस्टर्ब होता है तो ट्यूमर की सूरत मुझे सामने आती है. नेक्स्ट स्लाइड. कैंसर इज ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम. द गोल ऑफ कैंसर मैनेजमेंट इन ऑल पैकेज इज टू क्योर द कैंसर, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल मेजर्स टेकन लाइक कीमो रेडिएशन सर्जरी इट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड. हमने देखा है कि अक्सर वो बेशतर कैंसर का इलाज फेल हो जाता है, या तो रिजल्ट नहीं आते हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन से, या रिजल्ट कुछ दिनों तक आने के बाद दोबारा रिकरेंस होता है, या तीसरी सूरत यह है दोस्तों कि रिजल्ट आने की बजाय पेशेंट जो है वो हलाकत में चला जाता है. पेशेंट क्या होता है, और खराब हो जाता है. जहाँ वो ट्यूमर के साथ पिछले 10 साल से जिंदा था, 10 साल पहले उसकी बॉडी में ट्यूमर बना, अब अचानक मालूम पड़ा कि ट्यूमर है, अब उसकी जिंदगी बदल गई, अब उसने कीमोथेरेपी रेडिएशन कर लिया और जहाँ और अगले 10 साल तक शायद वो जिंदा रहता, वो 2-4 महीने में उसकी डेथ हो गई, या कॉम्प्लिकेशन में चला गया, या आखिरी स्टेज में चला गया. तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी रिजल्ट हो सकते हैं शायद 20%, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट को रिजल्ट नहीं आते हैं. और नहीं आने की वजह ये दोस्तों कि हर रोज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो कीमो रेडिएशन और सर्जरी की सूरत में सामने आता है, वो किस तरीके से काम करता है दोस्तों? वो काम करता है सिर्फ लेजन तक. किस कहाँ काम करता है? सिर्फ ट्यूमर को निकालना मतलब होता है लोगों का, जबकि बॉडी के अंदर वो ट्यूमर निकलने के बाद भी माहौल तो वही है, एनवायरमेंट वही है. जिस एनवायरमेंट में वो ट्यूमर ग्रो हुआ है, वो माहौल अपने अभी तक चेंज नहीं किया है. वो चेंज हो सकता है यूनानी मेडिसिन से, चेंज हो सकता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, चेंज हो सकता है सही डाइट से, पॉल्यूशन फ्री लाइफ से, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री जिंदगी से, पुरसकून जिंदगी से, स्ट्रेस फ्री लाइफ से, वो चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है. लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशनल इलाज के ऊपर डिपेंड रहा और बाकी के ऑटोमेटिक थेरेपी को डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से सक्सेस बहुत कैंसर का आज कम है. इल्ला माशाल्लाह आप पेशेंट देखे होंगे कि बड़ा पेशेंट है जो 10-15 साल से जिंदा है, कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ सर्जरी के बाद अच्छा हुआ हो. अदरवाइज आपको ये सुनने में आएगा कि इलाज के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा. नेक्स्ट स्लाइड. कैंसर क्रिएट ट्रिमेंडस बर्डन. जैसे कि हमें मालूम है कि कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था तो 5-7 लाख का मेरा फिगर था मेरे पास, अभी 10 से 15 लाख तक का फिगर है. इसमें इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं कि 10 से 12 लाख 15 लाख फैमिलीज इंडिया में ऐसी है जो कैंसर का इलाज करते करते गुर्बत में चली जाती है, ठीक है, मकरूज हो जाती है, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है. अगर हम एज ए यूनानी फिजिशियन, एज ए हकीम अगर हम सर्वे करेंगे तो हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे एरिया में, हमारे सिटी में हजारों पेशेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो तमाम इलाज करने के बावजूद भी बिस्तर पर है और आखिरी दिन गिन रहे, चंद महीनों के मेहमान हैं. उन तक पहुंचकर हम एटलीस्ट उनको जो है पेन फ्री जिंदगी दे सकते हैं, उन तक पहुंचकर हम उनको एटलीस्ट कम से कम कुछ राहत दे सकते हैं या उनकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सपांशन के लिए कोशिश कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टू यूनानी मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन विद बिग होप कैंसर के. नेक्स्ट स्लाइड. करंट ट्रीटमेंट हम सबको मालूम है, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इम्यूनोथेरापी, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, यूनानी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐड कर दिया हूँ यहाँ पर और प्रैक्टिस में भी इंशाल्लाह, और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट स्लाइड. कीमोथेरेपी से जैसे कि हम इसके बाद ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा. मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यूनानी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा. इंशाल्लाह वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है, और इंशाल्लाह वो चीज़ आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस के अंदर काम आ सकती है. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई ट्रीटमेंट फेल. जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट चेंजिंग द बॉडी, वी आर डीलिंग विद ट्यूमर ओनली, ठीक है.
नेक्स्ट स्लाइड. Unless and until we don't change the body, chances of recurrence are very high. If we, with any measure, are able to change the body in the environment, chances of cancer recurrence are may become very low or zero. Next slide. If people get option for natural medicine, बहुत शिद्दत से लोग ढूंढते हैं. एक मर्तबा उन्हें अगर रिपोर्ट साथ में आती है तो उनको मालूम है कि अभी इसके बाद कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन जैसी चीज़ें हाथ में साथ में आने लगी. लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसे हकीम, ऐसे वैद्य, ऐसे होमपैथ के साथ मुलाकात हो जाए जो हमारा मर्ज ठीक कर सके. अगर उनको अच्छा हकीम या अच्छा वैद्य मिलता है तो वो कभी भी कन्वेंशनल इलाज की तरफ नहीं जाएंगे. उनकी मजबूरी है वहाँ जाना. क्यों मजबूरी है? क्योंकि वो सब पेनफुल ट्रीटमेंट है. वो सब जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं. तकलीफ दे अमराज, तकलीफ दे इलाज है. सर्जरी एक अपने आप में जो है वो एक प्रोसीजर है, आपको मालूम है, इन्वेजिव प्रोसीजर है. कीमोथेरेपी की अपने नुकसान आते हैं, अपने साइड इफेक्ट्स है. उसी तरीके से रेडिएशन की अपनी तकलीफ है. हालांकि रेडिएशन को मैं हमारे कई यूनानी का ही एक प्रोसीजर है, उसकी एक मॉडर्न शक्ल मानता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कैंसर को ठीक करने का, यूनानी है और आयुर्वेदा है और दूसरी पैथी है. तो यूनानी से हमें आगे बढ़ना है और उसको काम करना है. नेक्स्ट स्लाइड. कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, चार बेसिक टाइप्स है दोस्तों. और अगर उसकी सब टाइप देखेंगे, अगर आप ब्लड कैंसर के बारे में मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो ब्लड कैंसर की कम से कम 200 से ज़्यादा टाइप्स है. कितना? मोर देन 200 टाइप्स है ब्लड कैंसर. हर सेल टाइप का एक ब्लड एक कैंसर है. उसी तरीके से दोस्तों लिम्फोमा की अगर बात करेंगे तो 70 से ज़्यादा उसकी टाइप्स है. उसी तरीके से जो है बॉडी के अलग अलग सेल्स का एक अलग कैंसर है. अगर ऐसा पूरा काउंट करेंगे तो सैकड़ों टाइप के, हजारों टाइप के कैंसर है. और एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा समंदर है जहाँ पर हम कहीं नहीं हैं. कोशिश कीजिए इंशाल्लाह, आज से इंशाल्लाह अगर आप प्लानिंग करते हैं कैंसर का इलाज करना, दोस्तों मेरा अपना तजुर्बा है, एक जंग लड़ने के ऐसा है. क्या है? जैसे आप जंग लड़ रहे हो, अगर आपकी तैयारी है, आपका नेचर ऐसा बनता है कि आप जंग लड़ने के तैयार हो, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे. कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, लेकिन आप एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट, यूनानी ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत है, इंशाल्लाह दुनिया के सामने आ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. कॉजेस के बारे में बात करेंगे. क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन, तंबाकू हमें मालूम है, ओबेसिटी हमें मालूम है, अल्कोहल मालूम है, ओबेसिटी, पोल्यूशन, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फैक्ट्रीज के एरिया से हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं. केमिकल फैक्ट्रीज का वेस्ट पानी में, वहाँ के पानी में जाता है, वहाँ की जमीन में जाता है, वहाँ के खेतों में वो जाता है, वहाँ की फसलों में जाता है, और वहाँ के पीने के पानी में आकर या वहाँ की हवा में जाके वो कैंसर पैदा करता है. हमें मालूम ही नहीं. गुजरात की साइड एक एरिया है अंकलेश्वर, वहाँ पर 7,000 केमिकल की फैक्ट्री है. तो वहाँ के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और डेफिनेटली हमको लगता है कि इस वजह से हुआ है, लेकिन वी आर हेल्पलेस. नेक्स्ट स्लाइड. मोबाइल रेज, मोबाइल टावर्स, कंप्यूटर रेज, ग्रेन्स, स्पेशली वीट एंड वीट प्रोडक्ट. मेरा अपना मानना है कि गेहूँ और मैदा और उससे बनी हुई तमाम चीज़ें उतनी ही नुकसानदेह है जितनी के अल्कोहल और टोबैको है. मैं उसको उतना ही डैमेजिंग मानता हूँ जितना कि अल्कोहल और तंबाकू से कैंसर होता है. वी ईट विदाउट हंगर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. हम वक्त हो गया खाना खा रहे, सुबह होगी, वक्त हो गया है, 8 बज गए, 9 बज गए, नाश्ते का वक्त हो गया, शायद भूख लगे ना लगे, दोपहर का खाना खा रहे, रात का खाना खा रहे, शाम में 5 बजे चाय बिस्किट स्नैक्स हो रहा है, और थोड़ी सी कसर पूरी करने के लिए रात में सोते वक्त दूध पी के सोते हम लोग. करीब करीब 4-5 बार हम लोग खाना खा रहे, एक खाना हजम नहीं हुआ, डिटॉक्सीफाई नहीं हुआ, वो वहाँ से तंगिया नहीं हुआ, दूसरा खाना खा रहे, तो टॉक्सिन बॉडी में बन रहे, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ रहा है, जोश खून बढ़ रहा है, हिद्दत बढ़ रही है, सोजिश बढ़ रही है, और धीरे धीरे हम लोग कैंसर की तरफ जा रहे हैं. आज फिगर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं दोस्तों कि डर लगता है कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो किस तरफ जा रही है, और उसकी हमारी फिलहाल कोई तैयारी नहीं है. ठीक है, एलोपैथी में इलाज है या एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट है उस बेसिस पर से हम लोग नहीं बैठ सकते हैं. ऑर्डिनरी थेरेपी लाइक यूनानी सामने आना ही पड़ेगा और इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा इंशाल्लाह. स्ट्रेस की बात करता हूँ दोस्तों, इन शॉर्ट स्ट्रेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, कोई बता सकता है? स्ट्रेस का मतलब दोस्तों ये है कि कल जो हम काम करने वाले हैं, कल जो चीजों को फेस करने वाले हैं, आज उसकी हमारी तैयारी नहीं है, हमारा होमवर्क नहीं है, तो कल जब हम उसको फेस करेंगे तो क्या होगा, हमें स्ट्रेस आएगा.
बच्चों के होमवर्क है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स है, बच्चों के प्रोजेक्ट के टेंशन माँ बाप को आते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो हेक्टिक है, टेंशन वाला जो है एजुकेशन सिस्टम है हमारा। और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हमें गौर करना है और उसको जो है उस पर ध्यान देंगे, उसको जो है उसका हल निकालना है। क्रॉनिक इरिटेशन, नेक्स्ट लाइन, कॉजेज एज पर यूनानी मेडिसिन। देखो दोस्तों, ताफुन बदन, मुताफिन मवाद, मुजमिन सोजिश, फसाद इश्तहाला और फसाद बदन। जहाँ तक मैं आज के अलहमदिल्ला जितने प्रेजेंटेशन देखा हूँ या मैंने इसके पहले भी जो कैंसर के बारे में जो है सुना हूँ, समझा हूँ, उसके बारे में एक ही मैं एक एनालिसिस कर सकता हूँ कि जैसे वेस्टर्न मेडिसिन वाले बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स लेते हैं तो वहाँ पर जो है कहीं पर भी उनके पास मिजाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिजाज का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है दोस्तों, कि हर दो पेशेंट कैंसर के एक जैसे नहीं होते, ठीक है, दोनों का मिजाज क्या होता है अल्फा होता है। कुछ पेशेंट की तो ऐसे अल्फा सुना मैंने, कितना डरते हैं वो बोलते हैं हम लोग मर जाएंगे लेकिन सर्जरी नहीं करेंगे, हम लोग मर जाएंगे लेकिन कीमोथेरेपी नहीं करेंगे, इतना डरते हैं वो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उनका अपना एक पर्टिकुलर मिजाज है। उसी तरीके से हम लोग यूनानी लेक्चर्स की तरफ, यूनानी ट्रेडिशन की तरफ आते हैं तो हम लोग सौदा के आगे बढ़ते ही नहीं, ठीक है। मेरा अपना मानना है दोस्तों, आप मुझसे जो है अप्रोच कर सकते हैं, इसमें तनकीद कर सकते हैं आप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कि सौदा जो है अपने आप में एक खिल्त है, एक मिजाज है, मैं इसको ज़रूर मानता हूँ, इसमें कोई शक्का को छुपे की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी पूरी 18-20 साल की प्रैक्टिस में शायद उंगलियों में गिन सकते होंगे ऐसे पेशेंट देखा हूँ जिनको सौदा की वजह से कैंसर हुआ है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि मिजाज का कितना बड़ा रोल है सौदा की बजाय, वो कौन सी फिल्ट है जो कैंसर का सबब बनती है। नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ हर्ब्स। जैसे अभी सबको मालूम है कि 1981 से 2002 तक 65 ऐसी दवाइयां जो हर्बल सोर्स से ली गई है और कीमो की दवाओं को तौर पर जो है USFDA ने उसको अप्रूव किया है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हर्बल मेडिसिन पे बेइंतहा काम कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। आर्सेनिक के बारे में आपको मालूम है, आर्सेनिक यूनानी मेडिसिन है कि नहीं, है ना, मानते ना सब लोग। आर्सेनिक मैं कई लेक्चर सुनाऊँ ऑन्कोलॉजिस्ट के बड़े बड़े बोले आर्सेनिक दवाइयाँ यूज करते हैं आप लोग, उससे किडनी खराब होती है, ऐसा वैसा यूज। कुछ दो साल एक साल पहले मैंने देखा आर्सेनिक के इंजेक्शन आए, किसी को मालूम है इस मैट्यूब में किसी को मालूम है आर्सेनिक के इंजेक्शन? आर्सेनिक के इंजेक्शन अभी जो है लिकोमिया में लोग दे रहे हैं, लिकोमास में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यूनानी में कुछ तो बात थी जिसको उन्होंने लेकर उस पर आगे काम किया। आज आर्सेनिक का सेल इतना है जितना शायद एक बड़ी कंपनी का भी नाम है, यूनानी बड़ी कंपनी। तो विंका रोसिया हमें मालूम है सदाबहार एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन ये यूनानी हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मिसोथेरेपी हर्बल थेरेपी है जो वेस्टर्न कंट्रीज में आज बहुत जोरों से चल रही है, तरक्की पजीर है। नेक्स्ट स्लाइड, कैंसर यूनानी मेडिसिन। द टर्म कैंसर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हिप्पोक्रेट, हिप्पोक्रेट ने इसको अप्लाई किया कार्सिनोमा कैल्किनोस ट्यूमर के लिए, उन्होंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड, अरस्तु जारी रूप ने कैंसर को 17वीं 14वीं मर्ज बताया, उनकी किताबों में उनके लिटरेचर में ये बात मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड, उसी तरीके से वो अबुल कासिम अज़ोरावी फर्स्ट यूनानी सर्जन थे जिन्होंने सीए ब्रेस्ट का पहली मरतबा सर्जरी किया, फर्स्ट यूनानी सर्जन थे जिन्होंने पहली मरतबा बायोप्सी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने थायराइड नोडुल में से थोड़ा सा ब्लड निकाल के उसको एनालाइज किया, उसके ब्लैक कलर की वजह से उसका जो है रीजन बताया कि सौदा की वजह से होता है। उसी तरीके से जो है कई एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इनके नाम है, कई एक सर्जरी इनके नाम है। सर्जरी की बुनियाद यूनानी में जो है वो अबुल कासिम अज़ोरावी जी ने अबो कैसिस वेस्टर्न कंट्रीज वाले के नाम से जानते। नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन कैन ट्रीटमेंट कैन बी गिवन सेफली विद मॉडर्न मेडिसिन विद एलोपैथिक विद कीमो रेडिएशन। नेक्स्ट स्लाइड, यूनानी गिव्स बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कैंसर अकॉर्डिंग टू मिजाज। दोस्तों, दो मिजाज मेरे अपने काम करने का तरीका ये है कि दो मिजाज को जो है मैं मैक्सिमम फोकस करता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द कैंसर आपको बलगमी मिजाज में मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, बलगमी मिजाज में मिलेंगे 60% से ज़्यादा, 70% पकड़िए, और 25% जो है वो सफरावी कैंसर मिलेंगे। लेट मी एक्सप्लेन,
बलगम अमराज का मतलब क्या है दोस्तों? कैंसर को रहने दीजिए, इन जनरल पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बलगम अमराज? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमराज बलगमिया? जोर से बोलो, जोर से। बलगमी मिजाज का या बलगमी अमराज का मतलब ये है दोस्तों कि बलगमी मिजाज के पेशेंट की बॉडी हमेशा किसी ना किसी इन्फेक्शन के लिए तैयार रहती है। क्या के लिए तैयार रहती है? कोई ना कोई इन्फेक्शन। कोविड में सबसे ज्यादा कौन मुतासिर हुआ? बलगमी मिजाज के पेशेंट, बलगमी निमोनिया, कोविड निमोनिया, बार बार एक्सेस होना, बार बार बीमार होना, नजला होना, इन्फ्लुएंजा होना, निमोनिया होना, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो बार बार यूटीआई होना, एक्सेस फॉर्मेशन होना, ये किस मिजाज में है? बलगमी मिजाज में। अगर बलगमी मिजाज का पेशेंट बार बार बीमार पड़ता है किसी न किसी गलती की वजह से, यानी बीमार पड़ना जरूरी नहीं है लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं, माहौल लाइफ स्टाइल ऐसी बदल चुकी है कि बार बार बीमार हो रहा है ऐसा, ये जो बीमार होने का सिलसिला है क्रॉनिक इरिटेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, उस पेशेंट को अल्टीमेटली कैंसर की तरफ ले जा रहा है। चाहे वो सीए गॉल ब्लैडर हो, सीए यूरिनरी ब्लैडर हो, सीए रीनल सेल कार्सिनोमा हो, ब्रेन ट्यूमर हो, लंग कैंसर हो, वगैरह वगैरह, सीए क्रोन वगैरह, ये हो गया बलगमी कैंसर। बलगमी कैंसर क्यों हो रहा है? बॉडी के अंदर ताफुन तेजी से बढ़ रहा है, मुतफिन मवाद लगातार बना हुआ है, That is called बलगमी कैंसर। अब आइए सफरा के ऊपर। सफरा का मतलब क्या है दोस्तों? एक वर्ड में कोई सफरा को एक्सप्लेन कर सकता है? What is सफरा? What is the meaning of सफरा? सफरा ही मिजाज या what is सफरा? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, बताइए प्लीज फीमेल्स में से, what is सफरा? सफरा मतलब आग। सफरा का मतलब क्या है? आग, आग, इरिटेशन, सोजिश, वो कैंसर जो क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से होता है, क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से कैंसर। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, सीए ब्रेस्ट, आप लोगों ने फीमेल साथ छोड़ते आपके पास केसेस आए होंगे, सुने होंगे, सीए ब्रेस्ट मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा हूँ कि मेजोरिटी सफराई मिजाज के होते हैं। क्यों होते हैं? यंग लेडी बिकॉज ऑफ ट्रिपल पॉजिटिव, आपने सुना होगा इस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और हर टू प्रोटीन पॉजिटिव, ये क्या है? हार्मोनल इफेक्ट की वजह से इनको कैंसर हुआ है। हार्मोन क्या है? सोजिश का बढ़ाता है। क्या है हार्मोन? सोजिश को, सफरा को बढ़ाता है, ठीक है। उसी तरीके से सफरा की और क्या खूबी है? सफरा जो है तेजी से फैलता है। क्या होता है सफरा? अगर उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिला अपने आप को फैलाने का, तो अपने आपके पास अगर सीए ब्रेस्ट का पेशेंट आता है फॉर एग्जाम्पल, सीए ब्रेस्ट आज डायग्नोस हुआ, 3 महीने 6 महीने में उसको ब्रेन में चला गया, आपने देखा होगा कि बेल बोन्स में चला गया, तेजी के साथ बॉडी में मेटास्टेसिस हो गया। जो तेजी के साथ मेटास्टेसिस कर रहा है ये कौन सी गिल्ड है? सफरा। बलगम में भी हो सकता है, अगर बलगम का अपना ये रहा तो उसमें रह रहे, लेकिन सफरा में सबसे ज्यादा। ये होगी दो बातें। तीसरी बात, सीए ब्रेस्ट की मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। सीए ब्रेस्ट में आप लोगों ने दो टाइप के पेशेंट देखे होंगे, एक पेशेंट वो है जिनको सीए ब्रेस्ट है लेकिन जख्म नहीं होती कभी, एम आई राइट? गार्ड बड़ी हो सकती है लेकिन उन्हें कभी एक्सेस फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड सफरावी सीए ब्रेस्ट। हालांकि उनमें भी हो सकता है लेकिन बहुत रेयर है एक्सेस फॉर्मेशन होना। बलगमी मिजाज के पेशेंट में दोस्तों, बलगमी मिजाज के पेशेंट में आपने देखा होगा फीमेल पेशेंट, मिडिल एज पेशेंट, पेरीमेनोपॉज़ल पेशेंट, सीए ब्रेस्ट हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है, रेडनेस आ गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है, फिस्टुला हो गया है, स्मेल आ रही है। स्मेल आना ये किसकी, किस फील्ड में ज्यादा होता है? बलगमी मिजाज में। हालांकि एक अलग डिस्कशन है, क्या सफरावी मिजाज के पेशेंट बीमार नहीं होता है क्या, उसकी इन्फेक्शन नहीं होता है क्या? वो भी होता है, लेकिन उसकी मिसाल एक देता हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिनका अपना एक डेफिनेशन है, नेगेटिव का अपना डेफिनेशन है। उसी तरीके से एरोबिक बैक्टीरिया, एनोबिक बैक्टीरिया आपने देखा होगा। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी जो है वो क्या होते हैं, पनपते हैं, ग्रो होते हैं, यानी ऑक्सीजन में आमतौर से बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। एनोरोबिक बैक्टीरिया वो है जो ऑक्सीजन की गर्मी में पनपते हैं, पस फॉर्मेशन होता है, उससे क्षरण पैदा होती है, दैट इज ताफून, दैट इज बलगम। लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टफ माहौल में भी अगर पनप रहे हो, दैट इज कॉल्ड सफरावी इन्फेक्शन।
जैसे ई कोलाई है, उसी तरीके से जो है एच पेलोरी है, ये तमाम सफरा की तरफ जाते हैं। लेकिन उसका अपना एक अलग डिस्कशन, कभी आप लोगों को इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैं, वो किसकी कर रहा हूँ, सफरा और बलगम सी ए ब्रिज के ताल्लुक से। नेक्स्ट स्लाइड रहे तो यही स्लाइड रहने दो। पहली वाली, यूनानी गिव्स बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कैंसर अकॉर्डिंग टू मिजाज। यूनानी गिव्स मेनी यूनानी मेडिसिन फॉर एंटी कैंसर एक्टिविटी। हर तीसरी दवा एंटी कैंसर है यूनानी में। यूनानी में आपको सैकड़ों दवाइयां हैं, सिर्फ घमासा या सिर्फ कर्क्यूमिन को मत ये करिए, उसको भी इस्तेमाल कीजिए। आपके पास 100 ऑप्शन है इंशाल्लाह यूनानी मेडिसिन के ताल्लुक से। उसी तरीके से यूनानी मेडिसिन कैन बी गिवन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर पेशेंट हिस्ट्री लेंगे 10 कीमो, 12 कीमो, 15 कीमो के बाद डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर इससे अगर कीमो देंगे तो शायद आपको बढ़ा नहीं होगी, आप मर सकते हो, तो कीमो वहाँ खत्म कर देते हैं और उसके बाद कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद दोबारा रिकरेंस होता है। उसी तरह इलाफी तदबीर फारूकी सर का बहुत डिपार्टमेंट है, ये अक्सर बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इलाफी तदबीर कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है कैंसर के लिए। जहाँ पर तनकी मवाद करना है, जहाँ पर मवाद को बॉडी से डिटॉक्सीफाई करना है, बहुत आसान तरीका है इलाफी तदबीर, जैसे फर्स्ट डे हिजामा है और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। जरूरी है ठीक कीजिए, वीक डायग्नोज करके सब सप्ताह ने सफरा चिकन दवाइयाँ दीजिए। जैसे मिसाल के तौर से आग को बुझाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल। सफरा क्या है, सोजिशनाक मर्ज है, वहाँ पर आपने मुरतबात यूज करना है। क्या यूज करना है, रुतुबत को बढ़ाने वाली दवाइयाँ, मुलेटी है, सौंफ है, बुले गाँव जुबान है, बरगे गाँव जुबान है, पुदीना है, ठीक है, ये तमाम क्या है, ये मुसक्कनात है। उसी तरीके से अगर सरदार जो है बलगमी है, यहाँ पर आकर तनकी मवाद मुंजी, हम आमतौर से तमाम कैंसर जो मुंजी मुश्किल की बात करते हैं, जो कि गलत बात है। जब बलगम का जहाँ जिक्र आता है, वहाँ पर मुंजी मुश्किल की बात आती है, मुलैनाथ की बात आती है, तमाम मुसफियात की बात आती है, तमाम दाफू दवाओं की बात आती है, तमाम मुसफियात एंटी कैंसर एक्टिविटीज रखती है, लेकिन बलगमी मिजाज में। उसी तरीके से सौदा की बात करेंगे, तो सौदा मतलब हार्ड स्टोन लाइक ट्यूमर, पत्थर की तरह उसका जो है स्टोन का जो है कंसिस्टेंसी होती है। सफरा सौदा बलगम की नब से, सर बादल के साथ मैं सर बता रहे थे कि आप नब देख के कैंसर का इलाज कर रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नब देख के कैंसर का इलाज करते हैं, नब देख के मिजाज को पहचानते हैं, नब देख के जो है पेशेंट को सफरा ही है या बलगम ही है ये हम लोग डायग्नोज करते हैं। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर से अगर बलगमी मिजाज का पेशेंट आता है, चाहे उसको कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, उसकी नब्ज में क्या मिलेगा आपको, कैसी नब्ज मिलेगी, मुमतली इम्तिलाए मवाद। आप हाथ रखेंगे नब्ज पे तो आपको क्या मिलेगा, इम्तिला है, वर्मी कैफियत है बदन में, नब्ज वसी है, नब्ज अरीज है, डीप पल्स है, नब्ज डीप पल्स है। ये किसकी अलामत है सब, बलगमी पल्स की अलामत है। बलगमी पल्स आपको डायग्नोज करते आ गया कि कोई भी टाइप का कैंसर हो, रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, आप इंशाल्लाह बलगमी मिजाज की दवाई दीजिए, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे, कम से कम बाकी के लोगों से तो रिजल्ट आपके पास बेटर आ सकते हैं। उसी तरीके से सफरावी मिजाज के पेशेंट की नब्ज सतही होती है, कैसी होती है, सुपरफिशियल। आप नब्ज पे हाथ रखेंगे तो आपको जो है नब्ज जो है वो सतही मिलेंगी, उसी तरीके से नब्ज शरीर मिलेंगी, पाल्पिटेशन के साथ रहेंगी नब्ज, उसी तरीके से नब्ज शरीर मिलेंगी, क्या मिलेंगी, शॉर्ट पल्स, और बलगम के मुकाबले में थोड़ी सी फास्ट मिलेंगी। ये तमाम बहुत सिंपल चीज़ें, दोस्तों गौर करेंगे तो बहुत बहुत आसानी के साथ आपको मिल सकता है, वरना बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि कैंसर में जो है जाना ही नहीं है। कैंसर यूनानी फिजिशियन कैंसर जैसी फैकल्टी को चुनना प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये एक रिस्क है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी आज से 10-15 साल पहले हम लोग इलाज करते थे, जीरो रिजल्ट, पेशेंट चले जाते थे, पेशेंट की फैमिली भी टूट जाती थी, जो जनरल प्रैक्टिस के लिए जनरल प्रॉब्लम को भी आते थे हमारे पास वो भी नहीं आते थे। धीरे 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 प्रैक्टिस बहुत 80% खत्म हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पेशेंट रिजल्ट आना शुरू हुए कैंसर के, फिर उस पेशेंट ने कम से कम अपने फैमिली के कई मेंबर को लाए और धीरे धीरे अल्लाह ने आज थोड़ा बहुत नवाजा है फाइनेंशियली। नेक्स्ट स्लाइड वापिस बैक जाओ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सौदा भी दवाइयाँ, सौदा चूंकि एक बारिश और याबिस एक फील्ड है, तो वहाँ पर जो है वो दवाइयाँ देंगे जो गर्म करो या गर्मी पैदा करे या सोजिश बढ़ाए, जैसे कि आपको राई है, जैसे कि बापची है,
जैसे कि मेथी है, जीरा है, मतलब कि सुदाब है, ये दवाइयाँ क्या है, मुखरिश है, खराश पैदा करती है, लेकिन ये सौदा की मॉलमिल है। यही दवाइयाँ अगर सफरा में देंगे तो क्या होगा, इरिटेशन बढ़ेगा तो सफरा के कैंसर में इजाफा होगा। नेक्स्ट लाइन, दिस इज द रिसर्च एरा, वी शुड डायग्नोज ऑन बेसिस ऑफ मिजाज, बलगमी कैंसर, सफरावी कैंसर, सौदावी कैंसर, हर दो पेशेंट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट लाइन, रोल ऑफ मिजाज इन कैंसर, अभी मेरे पास एक दो शायद 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट में मेरे लेक्चर में खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, आपको बता के लिए लग रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा अलर्ट रहे 5-10 मिनट। एक पेशेंट मेरे पास आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं सफरावी कैंसर को डायग्नोज करके काम कर रहा हूँ तो मेरे प्रैक्टिस में मैंने कितना उसको सही पाया। सीए कॉक्सिक्स की पेशेंट है, कॉक्सिक्स टेलबोन है, और मैंने बगैर देखे दवा, बॉम्बे की पेशेंट है, वो क्रिश्चियन पेशेंट है सर, तो उसको मैंने बलगमी हिसाब के हिसाब से मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ दवाइयाँ भेजा उसको मैंने, 8 दिन के बाद खून आया कि कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि पेन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि बलगम क्या करता है, तनके को बढ़ाता है, तनके बढ़ाने की सूरत में सफरा में नुकसान होगा, तो इमीडिएट मेरा एक माइंड ठीक से जाना कि इमीडिएट उसको सफरा शिकन दवाइयाँ भेजा मैंने, जिसके अंदर कोडेटी है, सौंफ है, पुदीना है, कलौजी है, उसी तरीके से हल्दी है, ये दवाइयाँ भेजा मैंने उसको। अलहमदिल्ला 1 महीने में डेटी चलने लगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी सोजिश को खत्म किया। किस चीज़ को खत्म किया मैंने, इरिटेशन को खत्म किया। आज 2 साल हो गए, रेडी का लीजन 60-70% खत्म हो चुका है, पूरा मॉल घूमती है अभी। ठीक है, तब कहीं जाके कॉन्फिडेंस आता है कि वाकई में हमारी जो थ्योरी हम पेश कर रहे हैं वाकई उसमें कितनी सच्चाई है। सीए प्रेस दोनों मिजाज में देखा मैंने। एक और जो है पेरी एम्पोरिक कार्सिनोमा, जहाँ पर जॉन्डिस बढ़ जाता है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, he was basically from Bangalore, Muslim patient, बड़ा बिजनेसमैन, उन्हें आए थे गूगल पे से ढूंढ के, बिलर पिन 24-25 साल, कितना था, और तमाम अलामत सफरावी, नब्ज में, पेशेंट के बिहेवियर में डायग्नोज कर लिया मैंने, पहले दिन से ही उसको सफरा चिकन शुरू किया दोस्तों। तो 24 बिलर रूबिन से एकदम पीलिया पूरी बॉडी में फैला हुआ था, एक पर आने के लिए उसको 3 महीने लगे, कितने महीने लगे, और अलहमदुल्ला उसके बाद कभी जॉन्डिस नहीं हुआ, वो ठीक हो गया। ठीक है, फिर हमने कुछ पेरी एम्बोलिक कार्सिनोमा के और सेम पैटर्न के केसेस ट्रीट किए, अलहमदुल्ला अक्सर वो बेशक पेशेंट को रिजल्ट आए, जिनको नहीं आए उसमें और काम करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। कोई एक मैं उसूल मुरातब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने मेरा अपना एक हाइपोथेसिस आपको बता रहा हूँ कि पैरामीटर्स तेजी से बढ़ना, जैसे ट्यूमर मार्कर है और तेजी से बढ़ गया, हजारों हो गया, तो वो किस वजह से हो रहा है, सोजिश की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सफरा की वजह से हो रहा है। और पैरामीटर का स्लो 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 आगे बढ़ना, ये किस मिजाज में होता है, बलगम में होता है। तो पैरामीटर्स को देखिए भी हम लोग मिजाज को पहचान सकते हैं। उसी तरीके से सीए गॉलब्लैडर की मेरे पास पेशेंट है बम्बई की, 3 महीने दवा ली, वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो चुकी है, आज उसको 5 साल हो गए, कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, आज भी अच्छी है वो, सफरा शिकन मेडिसिन दिया था मैंने उसको, वॉमिटिंग वगैरह सब जो थी उसको, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। मैं आप लोगों को जिसको भी कंफर्म करना है, मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको इंशाल्लाह उस पेशेंट से जो है रूबरू बात करा सकता हूँ। सीए गॉलब्लैडर की एक और पेशेंट है मेरी, बलगमी मिजाज की थी, 28 किलो वजन था, 85 एज है, दवाइयाँ शुरू करने के बाद 8 दिन में वो चलने फिरने लगी, उसका 28 किलो से 60 किलो वजन हुआ, और आज भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका भी मेरे पास इंटरव्यू है, उसका भी नंबर है, कुर्ची की पेशेंट है वो, कर्नाटक, आपको उससे भी इंशाल्लाह बात हो सकती है। या बलगमी मिजाज सीए गॉलब्लैडर, सफरावी मिजाज सीए गॉलब्लैडर, सीए नेक्स्ट लाइन, सीए एसोफेगस, बलगम में भी देखा हो मैंने, सफरा में भी देखा हो, ब्रेन ट्यूमर आमतौर से मैं कई पेशेंट ट्रीट किया हम लोगों ने, सीए कॉक्सिक, सीए कोलॉन, सीए यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, बहुत सारे केसेस दोस्तों को अभी वक्त नहीं है, सेल टाइप एडेनोकार्सिनोमा बलगमी मिजाज में हमने देखने को मिला है। ठीक है, म्यूकस सेकेंडरी ग्लैंड है, हेपेटाइटिस बी, ज़्यादातर सफरा शिकन एक्टिविटीज देखा हूँ मैंने। नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट लाइट, मैं एक केस बताता हूँ दोस्तों, शायद इसके बाद मैं मेरा लेक्चर रोक लूँगा, कुछ फोटोज आपको बताऊँ मैं, इसके बाद मेरा लेक्चर में खत्म करूँगा। कई एक केसेस है दोस्तों, एक केस था सीए कोलॉन का, कम से कम 1.5 किलो का ट्यूमर था उसका, 6 महीने मेरा इलाज किया उन्होंने, वो ट्यूमर हो गया 1.5 किलो से 250-300 ग्राम का हुआ, फिर उन्होंने जाके सर्जरी किया, आज अलहमदुल्ला 10 साल हो गए वो अच्छा। ये हो गया एक तरीका इलाज, यानी यूनानी से ऑपरेशन करना ही नहीं है,
ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलते, बल्कि हम लोग बोलते हैं आप ऑपरेशन कर लीजिए, ट्यूमर बर्डन निकाल दीजिए, रिकरेंस के लिए हमारे पास आइए। ऐसे कई केसेस ओरल कैविटी के ट्रीट किए हमने पोस्ट ऑप। हमारा एक कजिन है, कजिन मेरे सगी भूपी का लड़का है, थोड़ा सा लेबर काम करता है बेचारा, वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करने ऐसा कैसे दोस्तों, उसको जर्म से ट्यूमर था पेट के अंदर 1.5 किलो का कम से कम। अब घर की मुर्गी दाल बराबर मेरे पास तो कभी आई नहीं हो, वो गए कीमोथेरेपी करने, रेडिएशन करने, उन्होंने 32 रेडिएशन और 28 कीमोथेरेपी किए, 1.5 किलो से वो गांठ आधा किलो तक आ गई या 300-400 ग्राम तक आ गई, इतनी बड़ी हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहा था कि कीमो और रेडिएशन इसके आगे नहीं दे सकते, आप जाइए 6 महीने के बाद अगर गांठ बढ़ती है तो दोबारा कीमो रेडिएशन करेंगे, और अगर अभी कंडीशन में आपको दोबारा हम लोग कीमो रेडिएशन देते तो शायद आपकी जान को खतरा है। उस कंडीशन में फिर मेरे पास मजबूरी के दर्जे में आया, वो 1.5 साल इलाज करने के बाद वो आधे किलो में ट्यूमर खत्म हो गया, खत्म होके भी 5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट आज भी अच्छा है। उस पेशेंट का वजन 50 किलो था, उसका इंटरव्यू मेरे चैनल पे, 150 वीडियो है मेरे चैनल पे पेशेंट के इंटरव्यू के, और मेरे अपने कुछ वीडियोज है जिन्होंने इंटरव्यू दिए उनका इंटरव्यू लिया मैंने, अभी तो लेना भी बंद कर दिया। अगर मैं वाकई में सबका इंटरव्यू लूंगा अगले तक 2000 वीडियो जमा हो जाएंगे, कितने 2000 वीडियो जमा हो जाएंगे। उसका वजन था 50 किलो जब मेरे पास आया था, वो आज 90 केजी का आदमी है वो, और मेहनती आदमी है, लेबर आदमी है। नेक्स्ट लाइन आगे लो बोलता हूँ, खत्म करिए। ये सीए टन के कई पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकवर हुए। नेक्स्ट लाइन, ये सीए कोलन के पेशेंट एक गांठ कम हुई है। नेक्स्ट लाइन, वो बट आने में दिन थे ये, उनकी रिपोर्ट है ये, आज भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लाइन, ये हमारे इलाज में 13 साल जिंदा रही है, स्टेज 4 की पेशेंट थी, सीए सैलरी ग्लैंड, 13 साल जिंदा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे हम हर महीने सिर्फ 500 रुपये लेते थे, ठीक है, 13 साल तक हमने उसको ट्रीट किया है और चैरिटी में। नेक्स्ट लाइफ, भाई बहुत बड़ा ट्यूमर था, खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइफ ये है हमारा कजिन जब से ट्यूमर वाला 1.5 किलो वाला। नेक्स्ट लाइफ सीए टर्म पोर्टल सी है। नेक्स्ट लाइफ, ये 2 बार ऑपरेट कर चुका था, तीसरी बार हमारे पास आया अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल के इलाज के बाद इलाज भी कंप्लीट किया, ठीक हो चुका है। नेक्स्ट लाइफ, ये देखिए, ये पूरा जो है ये खत्म हो चुका था, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वापस जो है ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी तरह हील हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज।